हेलो स्टूडेंट्स आज हम आ, हमारा जो चैप्टर ऐप डेवलपमेंट कर रहे थे उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं पिछले पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमने आ, पढ़ा था कि ऐप क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ऐप्स को किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर किस तरह से उसको रिमूव करते हैं अनइटॉल करते हैं और किस तरह से उसके ऊपर वर्क करते हैं तो ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी जो वीडियो है चैनल के ऊपर उसमें जाके देख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है जो ऐप डेवलपमेंट का उसके अंदर तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऐप डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट डेवलपिंग एन ऐप कि ऐप को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं हम अपने घर पर बैठे बैठे तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर मोबाइल ऐप इज़ एन एप्लीकेशन यू डाउनलोड फ्रॉम द एप्लीकेशन स्टोर ऑफ ए मोबाइल डिवाइस और अदर लोकेशन ऑन द इंटरनेट टू स्मार्टफोन और अदर मोबाइल डिवाइस कह रहे कि मोबाइल ऐप जो होता है एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन स्टोर के ऊपर जो मोबाइल डिवाइस के अंदर होता है या किसी और लोकेशन के अंदर जो इंटरनेट के ऊपर आपको स्मार्टफोन के अंदर मिल जाएगी यू कैन आल्सो क्रिएट एन ऐप फॉर योर एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस हम क्या कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं देर आर मैनी फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द वैप दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू बिल्ड योर ऑन ऐप इन सेक्शन वी आर यूजिंग द ऐप बिल्डर कॉल्ड एम आई टी एप इन्वेंटर कह रहे कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐप बिल्डर जो सॉफ्टवेयर हैं एप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है वो हैं उनमें से जो हमको क्या करते हैं हमारी खुद की ऐप बनाने में हेल्प करते हैं उनमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट uh, जो सॉफ्टवेयर है अच्छा सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है एम आई टी इन्वेंटर तो देखिए अब हम पढ़ते हैं एम आई टी इन्वेंटर होता क्या है कह रहे कि एम आई टी ऐप इन्वेंटर इज़ एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड बाय गूगल एंड नाउ मेन्टेन बाय मैस्यूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम आई टी कह रहे कि एम आई टी एप इन्वेंटर क्या है एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है ओपन सोर्स क्या होता है बच्चों ओपन सोर्स होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपनली आपको मिल जाता है इंटरनेट के ऊपर तो जिस ये जो एम आई टी है वो एक ओपन सोर्स ऐप इन्वेंटर है जिसको पहले तो गूगल ने बनाया था बट अब इसको मेंटेन कर रही है कौन एम आई टी इट लेट्स यू डेवलप एप्स और एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड फोन यूजिंग ए वेब ब्राउजर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं किसका यूज़ करके एंड्रॉयड फ़ोन्स का या वेब ब्राउजर्स का यूज़ करके ये क्या होती है बहुत ज़्यादा ईजी और यूज़र फ्रेंडली है और जो ऐप एनवाइंटर जो प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट है उसके अंदर मेनली थ्री की जो पार्ट्स होते हैं पहला की पार्ट्स क्या है कॉम्पोनेंट डिज़ाइनर सेकेंड है ब्लॉक एडिटर थर्ड है एंड्रॉयड डिवाइस और एम्यूलेटर तो सबसे पहला क्या है कॉम्पोनेंट डिजाइनर कह रहे हैं कि यू यूज़ इट टू सिलेक्ट कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफाई देयर प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स uh, सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आपको उस ऐप के अंदर चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको भी आप स्पेसिफाई करेंगे सेकंड आ जाता है ब्लॉक्स एडिटर ब्लॉक्स एडिटर में कह रहा है कि यू यूज़ इट टू स्पेसिफाई हाउ टू कम्पोनेंट्स विल वर्क आपको ये बताना होगा कि ये कंपोनेंट्स किस तरह से वर्क करेंगे और लास्ट वन जो है एंड्रॉयड डिवाइसेस और एमुलेटर ये यूज़ होता है कि अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो आप किसके ऊपर करेंगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर करेंगे या एंड्रॉयड एमुलेटर के ऊपर करेंगे तो देखिए जो एम आई टी एप इन्वेंटर है जो मेनली गूगल क्रम मोजीला फायरफॉक्स एंड सफारी जो वेब ब्राउजर्स हैं इनके ऊपर क्या है कम्पेटेबल है उस स्टूडेंट्स उसके बाद आ जाते हैं हम क्रिएटिंग एन ऐप फॉर एंड्रॉयड देखिए किसी भी एंड्रॉयड के लिए हमें ऐप को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे करेंगे फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड स्टेप्स टू डेवलप योर फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप कॉल्ड हैलो वर्ड कह रहे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको और स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके हम क्या करेंगे अपनी फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करेंगे जिसको हमने नाम क्या दे दिया हैलो वर्ल्ड करे कि इन दिस ऐप यू विल सी फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑन द स्क्रीन टेक्स्ट बॉक्स बटन लेबल टेक्स्ट टू स्पीच एंड इमेज कह रहे कि जो ये ऐप डेवलप करेंगे इसके अंदर आप फाइव जो बटन कॉम्पोनेंट्स हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे वो कम्पोनेंट कौन कौन से हैं सबसे पहला कॉम्पोनेंट्स है टेक्स्ट बॉक्स तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है अगर आपको कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है तो वो करवाता है बटन अगर आपको क्या करना है कोई भी एक्शन इनिशिएट करना है कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे बटन का यूज करेंगे लेबल लेबल क्या करता है स्क्रीन के ऊपर अगर आपको कोई भी टेक्स्ट शो करना है तो उसके लिए आप लेबल कंपोनेंट का यूज करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच अब टेक्स्ट टू स्पीच में क्या होता है कि आपने कुछ भी स्पीक किया वो ऑटोमेटिकली अनेबल कर देगा एंड डिवाइस को टेक्स्ट को रिटर्न करने के लिए टेक्स्ट को सर्च करने के लिए इमेज इमेज किस लिए होता है कि आपने ऐप की अपीयेंस को और ज्यादा अच्छा करना है इमेज का यूज करके तो देखिए तो सबसे पहले कह रहा है कि हमें करना क्या पड़ेगा इसके लिए क्रिएट ए गूगल अकाउंट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे अपना गूगल अकाउंट जो है उसको क्रिएट करेंगे ठीक है कह रहे कि विद योर गूगल अकाउंट यू कैन यूज ऑल द सर्विसेज ऑफ गूगल लाइक जी मेल गूगल ड्राइव एक्सेट्रा इफ यू हैव ऑलरेडी गूगल अकाउंट स्किप दिस स्टेप कह रहे हैं कि अगर आप गूगल अकाउंट बना लेते हैं तो आप गूगल की जितनी भी सर्विसेज है उन सबको यूज़ कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपके पास गूगल अकाउंट है तो आपको गूगल अकाउंट फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको इन स्टेप्स को स्किप कर देना चाहिए कि इन द एड्रेस बार ऑफ योर वेब ब्राउज़र अब जो आपका वेब ब्राउजर का एड्रेस बार है उसके अंदर क्या करेंगे हम टाइप कर देंगे क्या करेंगे डब्ल्यू 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 डॉट ऐप इन्वेंटर डॉट एम आई टी डॉट एडो और एंटर प्रेस कर देंगे तो कह रहा है कि आपका जो होम पेज है उसके ऊपर आपको इन्वेंटर्स दिखाई देगा ऐप इन्वेंटर उसके बाद आपने क्या करना है थर्ड जो स्टेप आएगा उसमें आपने क्या करना है क्लिक ऑन क्रिएट एप्स आपको दिखाई दे रहा हो क्रिएट ऐप तो वहाँ पे आपको क्रिएट ऐप के ऊपर क्या करना है क्लिक करना है उसके बाद जो गूगल साइन इन पेज विल अपीयर तो आपके सामने क्या आ जाएगा गूगल साइन इन पेज है वो अपीयर हो जाएगा अब आपने क्या करना है टाइप द यूजर नेम एंड पासवर्ड डैट यू हैव क्रिएटेड इन फर्स्ट स्टेप एंड क्लिक इन साइन अब आपने जो फर्स्ट ऐप के अंदर गूगल uh, जो साइन इन बनाया था अब वहाँ का जो यूजर आई और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर पुट करना है तो आपके सामने क्या आ जाएगा वेलकम टू ऐप इन्वेंटर पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर साइड में बिल्कुल फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपको क्लिक कंटिन्यू जो पाँचवां पॉइंट है कंटिन्यू पे क्लिक करना है सिक्स पॉइंट कह हैं क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट ऑप्शन आपके सामने प्रोजेक्ट ऑप्शन होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एक मेन्यू आएगा मेन्यू में क्या करना है आपको स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है सेवन पॉइंट है तो आपके सामने क्या होगा एक क्रिएट न्यू ऐप इन्वेंटर प्रोजेक्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा अब एट पॉइंट वगैरह कि टाइप द नेम फॉर योर प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे जैसे कि हमने क्या नाम रखा हैलो वर्ल्ड तो हम हेलो वर्ल्ड इसका नाम दे देंगे और नाइन्थ पॉइंट में क्या होगा ओके पे क्लिक कर देंगे तो कह रहे हैं कि ऐप इन्वेंटर ओपन द कंपोनेंट डिज़ाइनर विंडो तो ऐप इन्वेंटर क्या करेगा अब आपके सामने जो आपने डिज़ाइन करनी है ऐप उसका कॉम्पोनेंट विंडो आपके सामने आ जाएगा करेगी इन द कॉम्पोनेंट डिज़ाइनर विंडो यू विल क्रिएट द लुक एंड फील ऑफ योर ऐप यू कैन चूज कंपोनेंट्स लाइक बटन इमेजेस एंड टेक्स्ट बॉक्सेस एंड फंक्शनलिटीज़ लाइक टेक्स्ट टू स्पीच अब कह रहे कि जो ये विंडो ओपन होगी आपकी डिज़ाइनर विंडो कॉम्पोनेट डिज़ाइन इसके अंदर आप क्या करेंगे अपनी ऐप का लुक एंड फुल फील जो है वो देख सकते हैं लुक कर सकते अच्छा बना सकते हैं और फील कर सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर बटन्स इमेज टेक्सट बुक्स जो हमें फंक्शनैलिटीज जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच इनका एंटर इनको मतलब यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे इसको फिगर दिया हुआ है कंपोनेंट डिजाइन विंडो ट्वेंटी टू फोर एरियाज फोर एरियाज़ कौन कौन से हैं कंपोनेंट्स पैलेट्स व्यूवर कॉम्पोनेंट लिस्ट कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टीज तो कॉम्पोनेंट पैलेट क्या होता है देखिए कह रहे हैं कि ऑन द लेफ्ट देर इज ए पैलेट विच इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉम्पोनेट फ्रॉम विच यू कैन सिलेक्ट कहें कि लेफ्ट साइड पर क्या है बहुत एक पैलेट है जिसको कॉम्पोनेंट पैलेट कहा जाता है उसके अंदर बहुत सारी क्या है कॉम्पोनेंट्स की लिस्ट है जिनको आप सिलेक्ट करेंगे ऐप के अंदर यूज करने के लिए जैसे कि वो लेबल हो गया लिस्ट व्यू हो गया चेकबॉक्सिस हो गए बटन अगर आपने विजुअल बेसिक किया है तो सेम वैसा ही है ये उसी तरह का ही है उसके बाद व्यूअर अब व्यूवर में क्या होता है देखिए टू द राइट ऑफ द पैलेट इज द वाइट एरिया कोल्ड द व्यूअर है यू कैन प्लेस द कम्पोनेंट टू मैप आउट हाउ यू वॉन्ट योर ऐप टू लुक लाइफ अब क्या करेंगे व्यूअर में क्या होगा आप व्यू करेंगे डिस्प्ले होगा आपको बिल्कुल राइट में दिखाई दे रहा है पैलेट के जो भी आपको करना है प्लेस यहीं परेंगे कि ऐप किस तरह से आपको दिखाई दे आगे कॉम्पोनेट लिस्ट अब कॉम्पोनेट लिस्ट क्या था कि टू द राइट ऑफ द व्यूअर इज द कॉम्पोनेट लिस्ट एनी कॉम्पोनेट दैट यू प्लेस इन टू आल्सो शो अप इन द लिस्ट कह रहा कि जो जो भी ये लिस्ट है बिल्कुल राइट right में होती है किसके व्यूअर के जो भी काम आप किसके अंदर करेंगे व्यूअर के अंदर करेंगे वो आपको इसके लिस्ट में भी दिखाई देगा उसके कॉम्पोनेट प्रॉपर्टीज अब देखिए कॉम्पोनेट प्रॉपर्टीज बिल्कुल राइट right साइड में है किसके कॉम्पोनेंट लिस्ट के तो इसमें क्या था कि टू द फार राइट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पोनेंट वेन

जो दसवां पॉइंट आ जाता है हमारा कह रहे कि इन द कॉम्पोनेंट पैलेट ओपन द यूज़र इंटरफेस डॉर इफ़ इट इज़ नॉट ओपन कह रहे हैं कि कॉम्पोनेंट पैलेट के अंदर क्या करेंगे हम जो यूज़र इंटरफेस ड्रॉर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे अगर ये बाई डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं है तो आपने देखा यहाँ पर हमने टेंथ पॉइंट पर जैसे ही क्लिक दिखाई दे रहा है आपको टेंथ पॉइंट तो नीचे इसके बहुत सारे ऑप्शन आ गए चेकबॉक्स वगैरह इमेज लेबल ये क्या है ड्रॉर है जो जिसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा अगर ओपन है तो उसको ओपन रहने देंगे अब इलेवंथ पॉइंट में कह रहे हैं कि क्लिक एंड होल्ड ऑन द वर्ड टेक्स्ट बॉक्स इन द पैलेट अब हमने अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे होल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा उसके बाद हमने अपने माउस से क्या करना है उस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है ड्रैग करना है कहाँ पे व्यूअर के अंदर और अपने माउस को रिलीज कर देना है तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा कहाँ पे हमारे व्यूअर के अंदर और वो हमको कहाँ पे दिखाई देगा कॉम्पोनेंट uh, लिस्ट के अंदर भी दिखाई देगा और कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टीज में उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी फोर्टीन पॉइंट में कह रहा है कि क्लिक एंड ड्रैग द वर्ड बटन फ्रॉम द पैलेट टू द व्यूअर अगर हमने कोई भी बटन ऐड करना है तो हम बटन के ऊपर सेम क्या करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो एक बटन दिखाई देगा हमको व्यूअर के अंदर सेम एज कॉम्पोनेंट लिस्ट के अंदर हमें उसकी बटन की बटन की लिस्ट दिखाई देगी और प्रॉपर्टीज के अंदर हमें उसे उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे देंगी अगर हमें कुछ चेंज करनी है नेम वगैरह उस बटन का उसके बाद आता है फिफ्टीन पॉइंट अगर क्या करना है हमें कोई भी लेबल लगाना हो नाम लिखना हो तो हम क्या करेंगे सेम एज लेबल को उठाएंगे और व्यूअर में डाल देंगे तो सेम कंपोनेंट्स के अंदर हमें लेबल दिखाई देगा और लिस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर हमें उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। उसके बाद क्या सिक्सटीन पॉइंट में क्लिक द वर्ड बटन वन इन द कॉम्पोनेट लिस्ट हमने क्या करना है अगर एक और बटन लगाना है तो हम बटन वन पे क्लिक कर देंगे उसको भी हमने क्या कर दिया अगर हमें उसे बटन वन को रीनेम करना है कॉम्पोनेट लिस्ट के अंदर जा रहे हैं यहाँ पे हम अगर बटन का नाम चेंज करना है तो हमने क्या कर दिया क्लिक ऑन द वर्ड बटन वन कॉम्पोनेस्ट में हम क्या बटन वन पे क्लिक किया उसको रीनेम पे क्लिक किया रीनेम पे क्लिक करेंगे जो भी हमें नाम रीनेम का रीनेम नेम कॉम्पोनेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो भी हमें न्यू नेम देना है वो न्यू नेम हमने टाइप कर दिया जैसे वे बटन और उसके बाद okay क्लिक कर देंगे तो आपके बटन का नाम क्या हो जाएगा वेलकम बटन उसके बाद आ जाते द न्यू नेम फॉर द बटन विल अपियर इन द कॉम्पोनेट लिस्ट यू माइट है वर्ड टेक्स्ट फॉर बटन वन डिस्टेड ऑन इट यू प्रोवाड डॉट वॉन्ट डैट इन योर ऐप सो गो एड एट चेंज इन द टेक्सट प्रॉपर्टीज कह रहे कि आपने क्या कर दिया कॉम्पोनेंट लिस्ट के अंदर तो बटन का नाम चेंज कर दिया बट व्यूवर में अभी भी वही नाम आ रहा है बटन वन तो आप चाहते हैं कि ये आपको लास्ट में दिखाई ना दे आपकी ऐप के अंदर तो आप क्या करेंगे आगे क्या करेंगे टैक्स प्रॉपर्टीज में जाके इसको चेंज कर लेंगे उसके अंदर क्लिक ऑन द बटन इन द व्यूअर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे व्यूवर के अंदर कॉम्पोनेट प्रॉपर्टीज में जाएंगे क्लिक द एरिया अंडर टेक्स्ट एंड टाइप द नेम फॉर द बटन अब वहाँ पे क्या करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो टेक्स्ट वाला एरिया है उसके नीचे हम बटन का नाम दे देंगे हम देखेंगे जैसे हमने नाम चेंज किया वही सेम नेम कहाँ आ जाएगा आपके व्यूअर के अंदर भी चेंज हो जाएगा कह रहे कि इन दिस एग्जाम्पल जो है चेंज द नेम एज वेलकम हमने यहाँ पर नेम क्या दे दिया वेलकम दे दिया कह रहे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसकी फोन साइज शेप कलर ऑफ द टेक्स्ट एक्सेट्रा हम चेंज कर सकते हैं उसके करके इन द व्यूअर द लेवल हैज अ वर्ड टेक्स्ट फॉर लेवल वन डिस्प्लेड ऑन करें व्यूअर के अंदर जो लेबल है हमने लिया हुआ है उसके लिए जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं टेक्स्ट फॉर लेबल वन डिस्प्लेड लेवल वन के लिए टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यू प्रोवाइल डोंट वॉन्ट अगर हम अपनी ऐप अप में इसको भी नहीं जाते तो हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाके इसको भी चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे लेबल कॉम्पोनेंट व्यूअर के ऊपर क्लिक करेंगे कॉम्पोनेंट की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसके अंडर जाएंगे वहां जाके हमने उसकी चेंज कर देंगे अगर हमने इसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है जो भी चेंज करेंगे फाइनली तो हमको न्यू फ़ॉन्ट के साथ वो हमको दिखाई देगा न्यू कलर के साथ रहे कि इन द पैलेट ओपन द मीडिया ड्रॉर पैलेट के अंदर हम क्या करेंगे मीडिया ड्रोअर को ओपन करेंगे साइड में दिखाई दे रहा है, वो आपको एक मीडिया ड्रोर इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है टेक्स्ट टू स्पीच जो ऑप्शन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है करेक्ट टेक्सट टू स्पीच फ्रॉम द पैलेट टू द व्यूअर दिस कंपोनेंट विल नॉट इन द व्यूअर ये कंपोनेंट कह है कि आपको व्यूअर के अंदर दिखाई नहीं देगा इट विल ड्रॉप डाउन अंडर नॉन विजुअल कंपोनेंट्स क्योंकि ये क्या है नॉन विजुअल कंपोनेंट्स के अंदर आता है बिकॉज इट्स नॉट समथिंग डैट विल शो अपन द ऐप यूजर इंटरफेयर इट्स मोर लाइक ए टूल डैटल ऑन द ऐप करे कि यह ऐसा टूल है जो आपको दिखाई नहीं देगा बट ऐप के अंदर रहेगा इट ऑल्सो अपियर इन कॉम्पोनेंट लिस्ट एंड प्रॉपर्टीज बट ये आपकी कॉम्पोनेंट लिस्ट और प्रॉपर्टीज के अंदर जरूर आपको दिखाई देगा उसके बाद आए थे हम कह रहे कि ट्वेंटी सेवन पॉइंट में इन कॉम्पोनेट पैलेट ओपन द यूज़र इंटरफेस ड्रॉर अब कह रहे कि कॉम्पोनेट पैलेट में हम क्या करेंगे यूजर इंटरफेस ड्रॉल को ओपन करेंगे इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे किसके अंदर व्यूअर के अंदर और बाद में माउस को रिलीज कर देंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा एक न्यूज ए न्यू इमेज बिल अपियर दियूर व्यूअर व्यूअर के अंदर एक नई इमेज आ जाएगी जो कॉम्पोनेट लिस्ट और प्रॉपर्टीज दोनों में दिखाई देगी अब आपने क्या करना है क्लिक ऑन अपलोड फाइल इन मीडिया सिलेक्शन मीडिया सिलेक्शन के अंदर जाएंगे वहाँ से अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है क्लिक ऑन चूज चूज़ फाइल चूज फाइल पे क्लिक करना है ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा आपने क्या करना है जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी है उसको नेविगेट करना है फाइल को क्लिक करना है अब आपकी ओपन पे क्लिक कर देना है तो नेम ऑफ द अपलोड पिक्चर अपीयर हो जाएगा जो भी पिक्चर आपकी अपीयर हो रही है थर्टी फाइव में देखिए उसके ओके okay कर देंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगी क्लिक ऑन इमेज आप क्या रहे द नेम ऑफ अट पिक्चर विल अपीयर इन मीडिया सेक्शन आपकी जो पिक्चर अपलोड की है वो मीडिया सेक्शन में दिखाई देगी आपने उसके बाद क्या करना है इमेज वन जो है दिखाई दे रहा है कॉम्पोनेट लिस्ट में उसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक ऑन पिक्चर बॉक्स इन द प्रॉपर्टीज पैनल प्रॉपर्टीज पैनल में आपको एक पिक्चर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है ए बॉक्स विल अपियर विद द नेम ऑफ अपलोड इमेज एक बॉक्स आ जाएगा जिस में क्या लिखा होगा अपलोड इमेज लिखा होगा तो क्लिक कौन द इमेज नेम इमेज नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे इमेज विल अपीयर इन द व्यूअर पेन तो आपकी इमेज कहाँ दिखाई देगी व्यूअर पेन के अंदर दिखाई देने लग जाएगी आप इस इमेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं कहाँ से प्रॉपर्टीज पेन में जाके उसका साइज वगैरह चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है द कंपोनेंट्स वी हैव एडिड टू द हेलो वर्ल्ड ऐप अरे कौन कौन से कंपोनेंट हमने ऐड किए हेलो वर्ल्ड ऐप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया यूजर इंटरफेस पैलेट के अंदर से बटन ऐड किया लेबल ऐड किया टेक्स्ट टू स्पीच इमेज उनका नाम क्या था और हमने यूज़ किसी लिए करते हैं सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर तो उसके बाद आते हैं टेस्टिंग योर ऐप इन एंड्रॉयड डिवाइस अगर आपको एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर अपनी ऐप को टेस्ट करना तो कैसे करेंगे करें कि यू कैन व्यू एंड टेस्ट योर ऐप ऑन एंड्रॉयड डिवाइस एज यू क्रिएटेड इफ़ यू हैव एन हैड्रॉयड डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन विद वाई फाई डू द फॉलोइंग करें कि अगर आप अपनी ऐप को जो आपने क्रिएट की है उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन या वाई फाई चाहिए उसके लिए आप जो स्टेप करने हैं वो करेंगे कैसे करेंगे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आपने गूगल प्ले स्क्रीन दिखाई देगी टाइप एम आई टी ए ट्वेल्व कम्पेनियन इन द सर्च सर्च बॉक्स में एम आई टी ए ट्वेल्व कम्पेनियन लिखेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा ऐप इन्फो आ जाएगी उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपकी ऐप आप जो है डाउनलोड और इंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्ट होने के बाद आपकी ऐप आप जो है अपीयर्स हो जाएगी कहाँ पर स्क्रीन के ऊपर तो आपने क्या करना है उसके बाद इन ऐप इन्वेंटर क्लिक ऑन कनेक्ट ऐप इन्वेंटर में जो है कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है क्लिक कॉन ए आई कम्पेनियन कनेक्ट के अंदर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ए आई आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद एक कनेक्ट टू कंपेनियन डायलॉग बॉक्स अपीयर शोइंग द क्यू आर कोड एंड सिक्स डिजिट कोड कह रहे कि जब जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे कनेक्ट टू कंपेनियन तो वहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा वो आपको क्यू आर कोड प्रोवाइड करेगा या सिक्स तो डिजिट कोड प्रोवाइड करेगा कह रहे कि आपको क्या करना है ऑन योर डिवाइस लॉन्च द ऐप यू इंस्टॉल्ड एंड सिलेक्ट स्कैन आप अपनी डिवाइस पर अगर लॉन्च करनी है वो ऐप आप तो आपको क्या करना पड़ेगा या तो उस क्यू आर कोड्स को स्कैन कर लीजिए या वो सिक्स डिजिट का कोड है उसको एंटर कर लीजिए ठीक है और उसके बाद क्या करना है आपको देखिए इफ़ एवरी थिंग इज़ डन यू शूड सी दलो वर्ल्ड ऐप रनिंग ऑन यूर मोबाइल डि अगर सब कुछ हो गया तो हेलो वर्ल्ड ऐप जो है आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर रन करने लग जाएगी नाउ वट एवर चेंजेज यू विल डू इन द ऐप इन्वेंटर दो चेंजेस विल अपीयर ऑन द डिवाइस एज वेल अब जो भी चेंजेस आप क्या करते हैं अपने ऐप इन्वेंटर के अंदर करते हैं वो चेंज आपको आपकी डिवाइस के अंदर भी दिखाई देंगे उसके बाद आ जाते हैं टेस्टिंग योर ऐप इन इमेलेटर अगर आपके पास मान लीजिए एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है तो अगर आपको इमेलुलेटर एम्यूलेटर के अंदर आपको क्या करना है टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे देखिए करेंगे कि इफ यू डॉट हैव एन एंड्रॉयड डिवाइस यू विल नीड ए परफॉर्म सम एडिशनल सेटअप इन ऑर्डर टू यूज़ इन द इमूलेटर फॉर देट यू हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऐप इन्वेंटर सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर करें कि अगर एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है तो आपको इम्यूलेटर का यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपनी जो यू हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऐप इन्वेंटर को आपको सॉफ्टवेयर आप, so को आपके अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा करें यू कैन डाउनलोड द ऐप इन्वेंटर आपको अगर ऐप इन्वेंटर डाउनलोड करना है तो ये यह यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं टिपिकली इट विल गो इन टू ऑयर डाउनलोड फोल्डर ये कहा जाएगा डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएगा फ्रॉम द वहाँ से हम क्या कर सकते हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग इन विंडो विंडो के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद कह रहा कि ए आई स्टार्टर आइकन कैन अपियर ऑन योर डेस्क तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये एआई स्टार्टर आइकन आ जाएगा और यू कैन गेट इट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू या हम किसी स्टार्ट मेन्यू के ऊपर से भी इसको ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू यूज़ अम्यटर विद द एप इन्वेंटर यू विल नीड टू मैनुअली लॉन्च ए आई स्टार्टर योर कंप्यूटर वैन यू लॉग इन कह रहे कि अगर आप क्या चाहते हैं इमोलेटर को यूज़ करना चाहते हैं एप इन्वेंटर के साथ तो कह रहे कि आप मैनुअली भी लॉन्च कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर ए आई स्टार्टर को जब आप लॉग इन करेंगे You can start AI starter by clicking the icon on your desktop or using your start menu or using the path. द पाथ करके आप AI starter स्टार्टर को या तो आइकन पर क्लिक करके डेस्कटॉप पर या स्टार्ट मेन्यू में जाके या आप क्या कर सकते हैं पाथ का यूज़ करके भी लॉन्च कर सकते हैं द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अंडर द पाथ तो पाथ इसका ये रहेगा सॉफ्टवेयर का सी के अंदर सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स ऐप इन्वेंटर कमांड्स फॉर एप इन्वेंटर तो डाउनलोड होने के बाद करना क्या देखिए आफ्टर डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग एंड लॉन्चिंग द सॉफ्टवेयर क्लिक ऑन कनेक्ट इन ऐप सेम वही कनेक्ट इन ऐप पे क्लिक करेंगे अब आपको ए आई कंपनी पे क्लिक नहीं करना क्लिक ऑन इम्यूलेटर जो सेकंड पॉइंट है इम्यूलेटर पे क्लिक करना है करेंगे आफ्टर सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर अब करेंगे ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर इम्यलेटर विल भी अपियर ऑन द स्क्रीन शोइंग हेलो वर्ल्ड ऐप तो आपको इमुलेटर जो है आपकी स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड ऐप नाउ वट ए चेंज यू चेंजेस यू विल डू इन द ऐप इन्वेंटर दो चेंजे विल अपियर

बोथ यू आर कनेक्टेड मोबाइल डिवाइस एम ए लेटर कैन ओनली शो द ऐप कह रहा है कि आपने दोनों जो कनेक्ट किए हैं चाहे वो मोबाइल डे डि कनेक्ट किया है या एमुलेटर को कनेक्ट किया है वो दोनों के दोनों शो करेंगे बट कैन नॉट डू एनी थिंग इन इट बट हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे वी हैव इंस्ट्रक्टेड टू डू एनी थिंग इन द ऐप अगर हमें कुछ भी चेंजेज करना है तो हमें ऐप के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमने डेवलप की थी उसके अंदर चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें उसके अंदर कुछ भी ऐड करना है तो कंपोनेंट डिज़ाइनर वर्क के अंदर जाके ही ऐड कर सकेंगे ठीक है उसके अलावा हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकेंगे आगे है ब्लॉक्स एडिटर क्या होता है देखिए कह रहे कि इन द कंपोनेंट डिज़ाइनर यू हैव एडिट टेक्स्ट बॉक्स बटन लेबल टेक्स्ट स्पीच एंड इमेज कॉम्पोनेन्ट्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर फर्स्ट ऐप नाउ लेट्स मेक योर ऐप work when you tap the button you do this with the blocks editor by instructing the component what to do and when to do कह रहे कि हमने component designer का use करके हमने क्या कर लिया text box भी add कर लिया button भी add कर लिया label भी add कर लिया text to speech भी add कर लिया अब mainly क्या है कि हमने ये सारे के सारे building blocks add कर लिए अपने first app के अंदर तो कह रहे कि अगर आपने क्या कर दिया अपनी आपने, आपने जो app है उसको हमने बटन पे क्लिक करके चलाना है तो इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ब्लॉक एडिटर्स का यूज करना पड़ेगा तो ये ब्लॉक एडिटर्स कैसे काम करेंगे उसके लिए हम पढ़ते हैं देखिए सबसे पहले कह क्लिक ऑन द ब्लॉक्स ब्लॉक्स के ऊपर क्या करेंगे क्लिक कर देंगे द ऐप इन्वेंटर ओपन ब्लॉक एडिटर विंडो तो ऐप इन्वेंटर क्या कर देगा ब्लॉक एडिटर विंडो को ओपन कर देगा उसके बाद क्या करना है मेन पार्ट्स ऑफ द ब्लॉक एडिटर आर गिवन बिलो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं ब्लॉक एडिटर के बिल्टिन ब्लॉक्स कॉम्पोनेंट ब्लॉक्स बैकपैक ब्लॉक व्यूअर ट्रैश तो सबसे पहला है इन ब्लॉक्स तो देखिए बिल्ट इन ब्लॉक्स है दिस ब्लॉक्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू यूज़ इन योर ऐप ये ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं जो आपकी ऐप आप में यूज़ करने के लिए हम बनाते हैं ऑलवेज़ कॉम्पोनेंट्स ब्लॉक तो कॉम्पोनेट्स ब्लॉक से होते हैं जीज आर ब्लॉग यू हैव टू चूजर फॉर योर ऐप करेंट कॉम्पोनेंट्स ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो हम अपनी ऐप के लिए चूज कर सकते हैं ब्लॉक व्यूअर क्या दिस इज़ द प्लेस वेर यू असेंबल द ब्लॉक फ्री ऐप ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम अपने ब्लॉक्स को असेंबल करते हैं सारे इकट्ठे करते हैं अपनी ऐप के लिए ट्रैश अगर हमने अननीडिड ब्लॉक्स हैं कोई भी उनको डिलीट करना हो तो सारे के सारे कहाँ जाएंगे ट्रैश के अंदर चले जाएंगे बैक तो कह रहे कि बैक पैक क्या होता है देखिए यू कैन ड्रैग ब्लॉक्स इन टू द बैक पैक आइकन सो डैट यू कैन यूज़ दैम लेटर बाय ड्रैगिंग आइटम आउट ऑफ द बैक पैक एंड यूज़ दैम बिटवीन द एप्स बैक पैक रिटेन्स ए कॉपी ऑफ योर ब्लॉक्स इवन वैन यू एग्जिट ऐप इन्वेंटर कह रहे कि यू कैन ड्रैग ब्लॉक्स इन टू द बैक पैक कह रहे कि हम बैक पैक आइकन के अंदर क्या कर सकते हैं अपने ब्लॉक्स को ड्रैग कर सकते हैं ताकि हमें बाद में कभी भी यूज़ करने हो तो उसको ड्रैग करके सीधा हम यूज़ कर सकें अपनी ऐप के अंदर बैकपैक क्या करता है एक कॉपी रखता है किसकी ब्लॉक्स की ताकि अगर आप ऐप इन्वेंटर से एग्जिट कर जाएं तो सीधा आप बैकपैक से भी उनको यूज़ कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें क्लिक ऑन वेलकम बटन कॉम्पोनेंट वेलकम बटन कॉम्पोनेंट पर क्लिक करेंगे ए बंच ऑफ ब्लॉक्स रिलेटेड टू यर कॉम्पोनेंट्स अपियर इन द व्यूअर सो डैट यू कैन यूज़ दैम टू बिल्ड द बिहेवियर ऑफ द बटन कह रहे कि तो एक बंच ऑफ ब्लॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा होगा इस तरह से ब्लॉक्स आ जाएगा इस तरह के ब्लॉक्स आपने पहले भी देखे होंगे स्क्रैच के अंदर तो ये जो ब्लॉक्स हैं आपको इस तरह से दिखाई देंगे कह रहे कि क्लिक ऑन द वैन वेलकम बटन क्लिक डू ब्लॉक तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है Uh, उसके बाद कह रहे हैं कि हे ब्लॉक इज शोइंग वेलकम बटन बिकॉज वी हैव रीनेम द कंपोनेंट फ्रॉम बटन वन टू वेलकम बटन कह रहे हैं कि यहाँ पे वेलकम बटन इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने बटन वन से उसको चेंज कर दिया था वेलकम बटन के अंदर अदरवाइज क्या शो करता है ये बटन वन शो करता है कह रहे हैं वैन यू क्लिक ऑन एनी ब्लॉक जब आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओनली डैट ब्लॉक विल रिमेन इन द व्यूअर और अदर ब्लॉक्स विल भी डिसअवियर तो कह रहे हैं कि वही ब्लॉक आपको दिखाई देगा व्यूअर में बाकी सब क्या हो जाएंगे डिसअपियर हो जाएंगे उसके बाद कह रहे हैं कि यू विल नोटिस डैट द वर्ड वैन इज़ इंक्लूडेड ऑन द ब्लॉक कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जो वैन वर्ड है वो ब्लॉक के अंदर इंक्लूड है विच मीन्स जिसका मतलब क्या है दैट दिस ब्लॉक विल भी लॉन्च वैन द बटन ऑन योर ऐप इज़ क्लिक्ड कह रहे कि आप जब बटन पर क्लिक करेंगे तब ये आपका ऐप आप जो है क्या हो जाएगा लॉन्च हो जाएगा इट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलर जिसको क्या कहा जाता है इवेंट हैंडलर कहा जाता है थर्ड पॉइंट आता है क्लिक था लेवल वन कंपोनेंट अगर आपने लेबल वन कंपोनेंट पे क्लिक किया तो एक बंच ऑफ बॉक्स आपके सामने आ जाएगा उसी तरह से क्लिक ऑन सेट लेबल फर्स्ट डेट टू ब्लॉक दिस डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन और ऐप टू डिस्प्ले द टैक्सट अगर आपने क्लिक ऑन सेट लेबल वन टैक्सट ब्लॉक पर क्लिक किया तो यह आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि डिस्प्ले करने के लिए टैक्सट को उसके बाद कह रहे हैं सिलेक्टेड बॉक्स वाला प्लेन व्यूअर और सिलेक्टेड बॉक्स कहाँ पर आएगा व्यूअर के अंदर दिखाई देगा क्लिक ऑन द सेट लेबल फर्ट टो टैक्स टू ब्लॉक अगेन अगर इस पर दोबारा क्लिक किया उसका क्या है ड्रैक दिस ब्लॉक एंड स्नैप इन टू वेलकम बटन डॉट क्लिक डू ब्लॉक करेंगे इसको और हम क्या करेंगे इन uh, कर एरिया करेंगे, करेंगे में तो एक बंचो बॉक्स आपके सामने टेक्स्ट कॉम्पोनेट का अपियर हो जाएगा क्लिक ऑन ज्वाइंट ब्लॉक अब आप क्या कर देंगे ज्वाइंट ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद कह रहे कि ड्रैग ब्लॉक एंड स्नैप इट इन टू सेट लेवल वन टेक्स टू ब्लॉक अब कह रहे कि ज्वाइन अपने जो ज्वाइंट ब्लॉक है और स्नैपिट है दोनों को क्या कर देंगे इकट्ठा कर देंगे जब ज्वाइन ब्लॉक अपेंड हो जाएगा आल इनपुट टू मेक ए सिंगल स्ट्रिंग तो ये सारी की सारी इनपुट जो कह जाएगी सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी कह रहे हैं कि बाई डिफॉल्ट ज्वाइंट ब्लॉक है टू प्लेस फोल्डर टू स्नैप द ब्लॉक बट वी नीड थ्री फॉर द ऐप कह रहे हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं ओनली टू फेसिस होती हैं आपको दिखाई दे रही होंगी टू फेस बट हमको कितनी चाहिए थ्री फेसिज चाहिए ऐप के लिए उसके बाद टेंथ पॉइंट आया था क्लिक ऑन दा ब्लू सेटिंग आइकन ऑफ द ज्वाइन ब्लॉक करके जो ब्लू सेटिंग आइकन है ज्वाइन ब्लॉक का उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक पोपअप आ जाएगा बलून अपियर होगा जिसमें टू स्ट्रिंग होगी ज्वाइन ब्लॉक की आपने क्या करना है इन दिस ऐप वी नीड थ्री स्ट्रिंग बट हमें चाहिए कितनी थ्री स्ट्रिंग चाहिए क्लिक ऑन द स्ट्रिंग ब्लॉक तो आप क्या करेंगे स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे ड्रैग एंड स्नैप इट अंडर टू स्ट्रिंग टू ज्वाइन ब्लॉक तो हम क्या करेंगे ड्रैग एंड स्नैप कर देंगे टू स्ट्रिंग के ऊपर ज्वाइन करने के ब्लॉक को यू कैन क्लिक एनी टू रिमूव द पॉप अप बलून अगर आपको पॉपअप को रिमूव करना है तो आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो कह क्या करेंगे यू विल नोटिस डैट जो ज्वाइन ब्लॉक नाव है थ्री प्लेस होल्डर अब देखेंगे कि ज्वाइन ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएंगे थ्री प्लेस होल्डर आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन वाली के साथ बिल्कुल ये देखिए थ्री प्लेस होल्डर आ गए जिसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं अब कह रहे कि क्लिक ऑन टेक्सट ब्लॉक इन द बिल्टिन एरिया बिल्टिन एरिया में हम टेक्सट थर्टी नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको टेस्ट पर क्लिक करना है तो क्लिक ऑन स्ट्रिंग ब्लॉक अब क्या करेगी फोर्टीन में क्या करेंगे हम स्ट्रिंग ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रिंग ब्लॉक क्या करेगा जिसके अंदर क्या होंगे करेक्टर्स होंगे सारे के सारे अब कह रहे हैं कि ड्रैगन स्नैप इट इन द फर्स्ट प्लेस होल्डर ऑफ द ज्वाइंट ब्लॉग अब आपको क्या करना है इसको ड्रैक करना है कहां पर और स्नैप करना है फर्स्ट प्लेस होल्डर है उसके साथ अब राइट क्लिक होता स्ट्रिंग ब्लॉक स्ट्राइक स्ट्रिंग ब्लॉक पर राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू आ जाएगा आपके सामने जिसके ऊपर लिखा होगा डुप्लीकेट तो आपने डुप्लीकेट के ऊपर क्या कर देना है क्लिक कर देना है तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है जैसे ही आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ड्रैग एंड स्नैप इट इनटू थर्ड प्लेस होल्डर ऑफ ज्वाइंट ब्लॉक्स तो आपने इसको क्या करना है जो थर्ड प्लेस होल्डर है ज्वाइन ब्लॉक का उसके ऊपर क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है उसके बाद कह रहा है कि नाइनटीन पॉइंट में टाइप द टेक्स्ट इन बोथ स्ट्रिंग अब दोनों स्ट्रिंग के अंदर आपने क्या करना है टेक्स्ट टाइप कर देना देने एग्जाम्पल रखा जाए यहाँ पे ऊपर वाली स्ट्रिंग में तो दिया हुआ है हेलो नीचे वाली स्ट्रिंग लिख दी इसने हाउ आर यू ठीक है उसके बाद कह रहे हैं कि टेंट पॉइंट में क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट बॉक्स वन के ऊपर क्लिक करना है एक बंच ऑफ बॉक्स आपके सामने आ जाएगा उस कंपोनेंट्स के रिलेटेड व्यूअर के अंदर तो आपने यहाँ पे देखिए सर्च करना है टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट ब्लॉक को स्क्रॉल करना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट जो है उस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है करके दिस ब्लॉक लेट द यूजर एंटर टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स तो ये ब्लॉक क्या करेगा आपको आ, यूजर से एंटर करवाएगा टेक्स्ट को अब क्या करना है ड्रैग एंड स्नैप अब इसको क्या करना है अपने ड्रैग एंड स्नैप करना है और कहाँ ज्वाइन कर देना है सेकेंड प्लेस होल्डर के अंदर आपने इसको ब्लॉक को ज्वाइन कर देना है उसके बाद आ जाते हैं हम ट्वेंटी थ्री पॉइंट पे क्या क्लिक ऑन टेक्स्ट टू स्पीच वन कॉम्पोनेंट जो टैक्स टू स्पीच वन कॉम्पोनेंट है इसके ऊपर क्लिक करना है तो उसके बाद क्या है कि सेम वही प्रोसेस है आपका एक बंच आ जाएगा ब्लॉक्स का उसके बाद क्लिक ऑन कॉल टेक्स टू वन स्पीच आपको यहां पर दिख रहा होगा कॉल टेक्स टू ये बैंगनी से रंग में टैक्स टू स्पीच वन स्पीक मैसेज इस तरह का ब्लॉक आपको ट्वेंटी फोर्थ लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है तो आपने क्या करना है टेक्स्ट टू स्पीच ब्लॉक विल मेक द फ़ोन स्पीक द टेक्स्ट तो आपके फ़ोन को स्पीक द टेक्स्ट में चेंज कर देगा ट्वेंटी फाइव में क्या करना है आपने इसमें देखिए ड्रैग एंड स्नैप करना है किसको वेलकम uh, बटन को अंडर द लेबल फर्स्ट लेवल फर्स्ट के अंदर एज अ ब्लॉक इन साइड द बटन ब्लॉक विल रन वैन द बटन ऑन योर ऐप इज क्लिक कह रहा हैं कि ये क्या है बटन के अंदर आ गया तो जब भी आप कोई बटन क्लिक करेंगे तभी ये रन करेगा 26 पॉइंट में कह रहा है कि राइट क्लिक करना है इसके ऊपर ज्वाइन करने के लिए तो आपको क्या करना है उसके बाद एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा तो आपने क्या करना है डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना तो ये स्टिंग आपस में ज्वाइन हो जाएगी ट्वेंटी में देखिए कह रहा है कि ड्रैग एंड स्नैप द ज्वाइन ब्लॉक इन द टैक्स टू स्पीच ब्लॉक अब कह रहा है कि ड्रैग एंड स्नैप करना है ज्वाइन ब्लॉक को टैक्स टू स्पीच ब्लॉक के साथ अब आप क्या देखेंगे नाउ बटन इज शोन द लेबल इज ऑडिबल इन योर मोबाइल डिस्क जो लेबल जो है आपके मोबाइल डिवाइस में आपको ऑडिबल हो जाएगा उसके बाद क्या रीनेमिंग रनिंग द ऐप अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आप रन कैसे करेंगे कह आफ्टर कंप्लीटिंग द ऐप यू कैन रन एंड टेस्ट इट इन योर कनेक्टेड एंड्रॉयड डिवाइस और इम्यूलेटर तो देखिए रन कैसे करेंगे इन दिस एग्जाम्पल योर डिवाइस विल शो इ टेक्स्ट बॉक्स बटन एंड इमेज अब इस एग्जाम्पल में आपका जो डिवाइस है वो शो करेगा एक टेक्स्ट बुक्स को और बटन को और इमेज को करेंगे वैन यू राइट एनी टेक्सट इन द टेक्सट बुक्स अगर आप टेक्सट बुक्स के अंदर कोई भी टैक्स एंटर करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बटन को प्रेस करना पड़ेगा दिस विल शो ए मैसेज तो आपको मैसेज शो करेगा हेलो स्टूडेंट हावर यू एंड स्पीक दिस मैसेज टू और ये बोलेगा भी मैसेज गो टू द कनेक्टेड एंड्रॉयड डिवाइस फॉर इमोलेटर यू हेर ऑलरेडी लर्न हाउ टू कनेक्ट करेंगे इन द इम्यटर यू विल माउस्ट यू विल यूज़ माउस टू क्लिक एंड वर्क इन द एंड्रॉड यूज यूर फिंगर टू टैब एंड करके यही सेम चीज़ आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इम्यूलेटर के अंदर भी कर सकते हैं करेक्ट क्लिक और टैब द टैक्सट बुक्स क्लिक करेंगे टैक्स बुक्स के अंदर एक वर्चुअल कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा नीचे वहाँ पर आपने क्या करना है टाइप करना है कुछ भी टैक्सट और उसके बाद क्या करना है वेलकम पे क्लिक कर देना है तो क्लिकिंग करने के बाद आपके सामने आ जाएगा हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू एक मैसेज अपियर हो जाएगा